पानी पानी हर जगह, पीने को एक कतरा नहीं। पानी की एक बूंद के लिए तरसता हुआ ये टेबल है पेशावर के इलाके चरसदा रोड अब्बास कॉलोनी का। 500 से ज्यादा घरों पर मुश्तमिल इस इलाके के लिए 25 लाख रुपए की लागत से ये टेबल एक साल कबल कायम किया गया था, लेकिन ताहाल चालू नहीं किया जा सका। ये आईजी साहब जो खड़ा है, इसने तकरीबन 5-6 बार आया है कि हमारी माँ की तबीयत काफ़ी सेहत ख़राब है और उसको पानी की सख्त पानी की ज़रूरत है। ट्यूबवेल भी बन गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन चालू करने के लिए कोई भी नहीं आता है। यहाँ इलाके के लिए किसी ने भी कोई हिम्मत नहीं की कि यहाँ पे आए। इलाके को पानी मुहैया करने के लिए टेबल से बिछाई गई पाइपलाइन में गंदा पानी ठहराया हुआ है। पानी मिलने का तो सवाल ही नहीं, लेकिन गंदा पानी से इलाके में वबाई अमराज फूटने का खदशा है। केपीके में चूहों की भरमार है और हमारे घरों में जो हमने अपने जाती बोर निकाले उसमें अक्सर घरों में चूहे निकल गए हैं। चूहे उसमें पहुँच गए, वो पानी मुजर सेहत बन चुका है। और ये जो मौजूदा ट्यूबवेल है, अगर इसका इफ्तिताह बर वक्त हो जाती है तो तकरीबन 4-5 हज़ार लोगों को साफ पानी मुहैया हो जाएगा। मस्कूर ट्यूबवेल के लिए अब तक मुलाजिमीन को भर्ती नहीं किया गया है, जिससे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से शहर पेशावर में साफ पानी मुहैया करने के मंसूबे महज कागजी मंसूबे साबित हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद हलीम के साथ आफ्ताब मोमन, 24 न्यूज़ पेशावर।